लोगों का हजूम, लोगों का उत्साह और लोगों के चेहरे पर खुशी देख के ही लगता है कि बादशाहपुर में कमल का फूल खिलने जा रहा है। और मुझे उम्मीद है लोग ठीक बहुमत से मुझे यहाँ से, मैं नहीं चाहता था कि नरवीर सिंह राजनीति से ऐसे हटे। उनमें राजनीतिक मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है राजनीति में, राजनीतिक परिवार से आया। हरियाणा में विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही वक्त बचा है, ऐसे में बादशाहपुर विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार व पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में राम नरवीर रविवार की शाम को मेमफीड गार्डन पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने राम नरवीर का भव्य स्वागत किया। सुबह से हो रही भारी बारिश के बावजूद लोग नरवीर के स्वागत में डटे रहे। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राव नरवीर ने बताया कि 2019 के बाद से ही गुरुग्राम में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, तो ऐसे में अगर जनता उन्हें चुनकर विधानसभा भेजती है तो उनका सबसे पहला मकसद गुरुग्राम के विकास कार्यों को फिर से पटरी पर लाने का रहेगा। तो वहीं राव नरवीर की माने तो वह विजेता की तरह राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। नरवीर ने बताया कि राजनीति उनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि वह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो ऐसे में वह राजनीति से एक विजेता के तौर पर विदा लेना चाहते हैं। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि बेशक अभी अन्य राजनीतिक दलों ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन उनका मुकाबला किसी पार्टी के उम्मीदवार से नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में वह विजय होकर निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों की आंखों में उनके प्रति विश्वास देखा है, जिससे वह अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आज बहुत सी सोसाइटी में जाना हुआ, बारिश होने के बावजूद भी जो लोगों का हजूम, लोगों का उत्साह और लोगों के चेहरे पर खुशी देख के लगता है कि बादशाहपुर में कमल का फूल खिलने जा रहा है। और मुझे उम्मीद है लोग ठीक बहुमत से मुझे यहाँ से जिताएंगे। सर, आपने अपने संबोधन में एक जिक्र किया कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन आप अपने अगर करियर की अंत करेंगे तो एक विजेता के रूप में करना चाहते हैं, वो क्या सोच? ये मेरी इच्छा थी कि भाई पिछली बार मेरा राजनीतिक कारणों से टिकट कट गया। मैं नहीं चाहता था कि नरवीर सिंह राजनीति से ऐसे हटे। उनमें राजनीतिक मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है राजनीति में, राजनीतिक परिवार से आया और मैं अपने परिवार को भी टाइम नहीं दे पाया। तो कम से कम जब मेरा राजनीतिक समापन हो तो एक अच्छे उसमें हो, और आपके मैं चाहता हूं कि भाई बादशाहपुर की सेवा करके इस धरती माता का भी कुछ कर्ज उतारे, जो गुड़गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं वो गुड़गांव के लोगों को मिले, उसके बाद मैं राजनीति छोड़। सर, अन्य प्रतिद्वंदी अभी नहीं है मैदान में, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ समय में कांग्रेस के भी, जेजेपी के भी पार्टियों के आ जाएंगे। किस तरह से मुकाबला देख रहे हैं, किससे होने वाला है मुकाबला? अभी कुछ कह नहीं सकता मैं कि कौन प्रत्याशी आता है, लेकिन नरवीर सिंह के हक में मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रत्याशी आए बिना कोई आएगा, तो मुझे मुकाबला ईमानदारी से नहीं लगता। मेरा जिंदगी का ये 8वां चुनाव है, एक ऐसा अजूबा चुनाव है जो मैं अब तक चुनाव लड़ा ऐसा चुनाव नहीं लड़ा कि आम जनमानस की इसमें भागीदारी, 36 बिरादरी की भागीदारी, गांव शहर कॉलोनी अनऑथराइज कॉलोनी सेक्टर सबकी भागीदारी है, और मुझे नहीं लगता कि नरवीर सिंह इस चुनाव में किसी बूथ से भी हार के निकले। साथियों, जो लोग गुड़गांव में बहुत पुराने बस रहे हैं उनको गुड़गांव की 14 से पहले हालात पता थे, और 14 से 19 के बीच में गुड़गांव में कितने काम हुए ये आप लोगों को हालात पता, और 19 से 24 तक भी भाजपा की सरकार है, इन 5 सालों में भी कितने काम है ये भी आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। नरवीर सिंह एमएलए बड़ा, मंत्री बड़ा, मैंने जो कुछ कहा वो सरकार में हुआ, लेकिन राजनीतिक कारणों से भाई मेरी 19 में टिकट कट गई और निर्दलीय प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत गया। हर आदमी की अपनी अपनी क्षमता होती, कौन कितना वजन उठा सकता।